रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की छछेती पंचायत के क्यारी गांव के लोगों को हर साल बरसात में उफनती नदी से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों की सड़क की मांग को पिछले 20 साल से सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। दो दशक पूर्व इस गांव के लिए ददाहू से नाड़ी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, मगर खाली अनछोन गाँव के बाद का काम पिछले 20 साल से ठप है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के चलते उक्त सड़क का निर्माण कार्य लंबित है। सरकारी दावों के बावजूद क्यारी, डाडुवा, नाड़ी व कायला आज भी रोड से नहीं जुड़ पाए हैं। ग्रामीणों को बरसात के 4 महीने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ गिरी नदी पूरे उफान पर होती है तो दूसरी तरफ खाला व गिरती हुई ढांक है। स्कूली बच्चों को भी जान हथेली पर रखकर जाना होता है। हालांकि इस बार छात्र कोरोना की वजह से बच गए। बीमार अथवा मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए या तो उफनती नदी पार करनी पड़ती है या फिर ढांक से जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। पिछले साल भी 2 लोगों की उफनती गिरी नदी में बहकर मौत हो गई थी तथा ग्रामीणों के अनुसार उनके शव अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस तरह की सुख सुविधाओं का लाभ मिले कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हमें कहीं जहां दर दर भटकना ना पड़े, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप थोड़ी सी हमारी समस्या का समाधान करवाएं। ये जो रास्ता है, हर बार बरसात के दौरान हम इस रास्ते को खुद बनाते थे। ये जो सामने वाला देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी है, रहती है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता धोलाकुआं दिलीप तोमर ने बताया कि दरअसल उक्त सड़क को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना शेष है, जिसके चलते निर्माण कार्य बंद है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए संगड़ा से जयप्रकाश।